श्री श्री रामलीला कमेटी आर्यनगर के तत्वाधान में मानसरोवर स्थित रामलीला कार्यक्रम में पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार की आरती उतारी और लोगों को प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा जब मानसरोवर मंदिर पहुंचा तब पूजन के उपरांत सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची। यहां चल रही रामलीला में उन्होंने प्रभु श्री राम का राज तिलक किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि राम एक आदर्श पुरुष थे, उन्होंने सामाजिक समरसता स्थापित करते हुए महिलाओं का काफी सम्मान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भी महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कई योजनाएं संचालित हैं जिसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रशासन के सभी अधिकारियों का श्री श्री राम लीला समिति नागरिक सुरक्षा के सभी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए भैया लखन की, माता जानकी की, महर्षि गोरक्षपीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रथमन इस मंच पर हो गया है। सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए महाशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। महाराष्ट्र का आगमन इस मंच पर हो चुका है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भैया लखन की, माता जानकी की। राम के पूजन में सम्मिलित हो रहे और सतरा बाबा जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप भी हैं महाराष्ट्र के साथ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लखन की, माता जानकी की। बोलिए पवन सुत हनुमान की। चलिए अब तो हो गया, चलिए चलिए चलिए। जय जय राम 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 जय जय राम
मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री श्री पुष्पन जैन जी, अध्यक्ष श्री पुष्पन जैन जी, श्री रेवती बिंदास जी, श्री अशोक जलान जी, महापौर जी, जूनागढ़ से आए करके महाराष्ट्र को चुनौती चिन्ह प्रदान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री श्री पुष्पन जैन जी से कि आए हुए सभी का आज विजयादशमी के पुनीत शुभ अवसर पर श्री विपिन सिंह जी, आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह जी, रेवती रमनदास जी हमारे यहाँ करते भगवान का तिलक करते थे। उसके पहले परम पूज्य ब्रह्मलिंग जो आरती से आते थे वो अभी रात तिलक करते थे। यह पटपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है, गोरखपीठ का बहुत आशीर्वाद माता की। श्री श्री रामलीला समिति आर्य नगर इस ऐतिहासिक रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री श्री पुष्पचंद्र जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री अशोक जालान जी, आयोजन समिति के पदाधिकारी श्री दीप अग्रवाल जी, विकास जालान जी, मनीष अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, देवनाथ जी महाराज जो कब से आए हैं, कालीबाड़ी के मोहन जी, सभी संतजन और आज के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी गोरखपुर के श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी भारत का नागरिक वह निवास करता है, आज के आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपने इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूने बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ और यह हर्ष उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। युगों पूर्व धर्म सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार अन्याय और उत्पीड़न के प्रति रावण का वध किया और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस सत्य का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जो युगों पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के मानव रूप में उन सब लीलाओं को बचने का कार्य किया था और हम सबके सामने का दृश्य प्रस्तुत किया था। भगवान विष्णु का ये मानव अवतार हम सबको सम विषम परिस्थितियों में धैर्य होकर के चुनौती का मुकाबला करने लेकिन सदैव सत्य न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा ये मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं ये संत तुलसीदास जी ने मध्य काल में प्रारंभ किया था जब विदेश गुलामी की पेड़ों से जुटाव झगड़ा हुआ था, विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। गोरखपीठ की परंपरा सैकड़ों वर्षों से इस मानसरोवर मंदिर में आकर के मानसरोवर मंदिर में वहां पर भगवान मानसरोवर का अभिषेक करने के उपरांत वहां पर देव विग्रहों का पूजन करने के उपरांत इस रामलीला मैदान में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने का एक अभी एक कार्यक्रम एक परंपरा जुड़ी हुई थी और गोरखपीठ की उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मुझे फिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि पहले पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के यहाँ पर आए थे। उससे पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव गोरखपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के चले थे। उससे पूर्व ब्रह्मलीन महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज और ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक पहुंचा कर दिया। चेहरे बदलते गए लेकिन रामलीला का मंचन अनवरत उसी रूप में आज भी यहाँ पर होता है। विजयादशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या राष्ट्र के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करता है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म एक प्रेरणा है कर्तव्य के अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की और कर्तव्य कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की जो प्रेरणा है उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यही तो प्रेरणा हमें वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में बड़े कल्याण का मार्ग महसूस करने के लिए आगे बढ़ती है। और मेरा ये मानना है जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा का गान घर घर में होता रहेगा भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा धैर्य पूर्वक स्थिरचित के साथ जब किसी एक अभियान के साथ भारतीय जनमानस एकजुट होकर के चलता है नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा रहती है
तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 500 वर्षों से अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर गुलामी के जिन बादलों ने उसे घेर करके भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था, आज वे सब एक एक करके छोड़ते गए। एक लंबे संघर्ष के बाद बड़ा आंदोलन हुआ, कोई ऐसा पथ नहीं था जिस पथ का अनुसरण करते थे राम भक्तों ने से राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उस अभियान को आगे ना बढ़ाया। लेकिन सत्य की जीत होती है और न्याय सदैव सत्य के साथ रहता है, लेकिन न्याय और सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग अनिवार्य है, आवश्यक है। और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप सबने देखा होगा यही हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्थितियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि नेतृत्व तो सही है, आम जनमानस के मन में उनकी नीति और नियत में कोई कोट नजर न आता हो और पूरी निष्ठा के साथ आम जनमानस अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए अभियान के साथ जुड़ा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इसी बात को प्रदर्शित करता है। आज भारत ने राम मंदिर के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में कितनी बड़ी मदद की। आज पूरी दुनिया भारत के संविधान का समर्थन करती है। आज वैश्विक मंच पर भारत की परंपराएं जो हजारों वर्षों की विरासत थी वे एक एक करके वैश्विक मंच पर छाती जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा किस हद तक जाकर के हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है। ये सफलताएं तो कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, हम सबके संवेदना उन सभी के प्रति है। लेकिन उस सबके बावजूद लोगों ने, दुनिया ने भारत के आयुष पद्धति को अपनाया है, आयुष पद्धति के माध्यम से जीवन की एक नई राह खोजी है। भारत आज वैश्विक मंच पर अपने धमक को लेकर के किस रूप में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का अभियान हो, दूसरी तरफ जिनके कारण भारत की स्वाधीनता खतरे में पड़ी थी, जिनके कारण भारत और भारतीयता संकट में आती हुई दिखाई देती है, एक एक करके उन सभी खतरों को एक एक करके दूर करने का कार्य और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के स्थापना के स्वरूप में होनी चाहिए। कैसे हम वैश्विक स्तर पर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन आपने देखा होगा, गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा के कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम और सैकड़ों वर्षों से यहां पर इस रामला मैदान में रामला के पवित्र मंचन होता है। लेकिन हम लोग देखते थे कि बरसात होती थी पूरा कार्यक्रम निष्फल हो जाता था, पंडाल जो लगा रहता था टूट जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक भव्य मंच भी बन गया, एक भव्य आयोजन हो रहा है। अब कीचड़ यहाँ के कार्यक्रम को बाधा पैदा नहीं करेगा और केवल मानसरोवर के इस रामला मैदान में ही नहीं, हरिबाग के रामला मैदान में ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बड़ घाट में भी रामला मैदान को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जाए। आपने यहाँ पे मानसरोवर मंदिर देखा होगा, मानसरोवर मंदिर
आज से 5 साल पहले कितना जीर्ण शीर्ण हो चुका था। लोग मंदिर के अंदर जाने में भयभीत खाते थे, पता नहीं मंदिर के अंदर जाने पर कब वो मंदिर उसके ऊपर गिर जाए। लेकिन आज मंदिर भव्य रूप से आगे बढ़ा है, जन सहयोग जन सेवकता भी। मैंने कहा था कि जनता और स्थानीय भक्तगण मंदिर का पुनर्निर्माण करें और बाहरी परिसर की सुंदरीकरण का कार्य सरकार लेगी, पर्यटन विभाग ने। यहाँ के स्थानीय भक्तों ने मंदिर का पुनरुद्धार किया, सरकार ने परिसर के विकास का कार्य किया। आप देखना होगा मानसरोवर मंदिर पहले और आज की तुलना में कितना उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है, और यही कार्य हरेक स्तर पर हो रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, बाबा विश्वनाथ धाम किस रूप में एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आप मिर्जापुर में जाएंगे माँ विंध्यवासिनी का धाम किस रूप में आगे बढ़ रहा है। ये सब हमारे गौरव के प्रतीक है। और फिर ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अपने सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक मानसरोवर मंदिर और इस रामलीला मैदान में यहाँ पर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत की परंपरा में धर्म के प्रतीक। हमने राम को धर्म का रूप माना है, रामो विग्रह धर्म, यानी धर्म के जो भी गुण हैं, भारतीय मनीषा ने धर्म के जिन भी गुणों को माना है वे सभी गुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से हम सबको स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए युगों युगों की इस परंपरा को भारतीय जनमानस आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े सम्मान के साथ, न वहां पर जाति भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और संप्रदाय का भेद है, हरेक व्यक्ति हरेक श्रद्धालु इसमें कोई भेद नहीं, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम पूरा भारत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपनी आत्मीय संवाद को जोड़ करके इस प्रकार के आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करता है। और आप उसी गौरव के साथ आप किसी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सबसे मैं एक ही बात की अपील करूंगा कि हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि हम जिसकी पूजा करते हैं हमें उसी अनुरूप बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसके अनुरूप नहीं बन सकते तो पूजा सफल नहीं होती। केवल बाहरी आवरण से नहीं, केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में, भाई भाई में जो मतभेद है, जो पारिवारिक विवाद होते हैं, इनको अगर हम भुला सके तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करेगा। पारिवारिक जीवन में पिता और पुत्र के बीच में या माँ और पुत्र के बीच में या पति और पत्नी के बीच में अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। राजा और प्रजा के बीच में कहीं भेद है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श हम सबको स्मरण करना चाहिए।
करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही स्मरण करना चाहिए। हम लोग अपने हर एक कार्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और भगवान प्रभु राम का स्मरण करके ही उस भक्त का अनुसरण करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में सदैव जो भी कदम उठाते हैं इस बात को लेकर के करते हैं। लोक कल्याण के लिए, प्रदेश 25 करोड़ की आबादी के हित के लिए जो कदम होगा वही लोक कल्याणकारी होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सामने रख करके हम उस पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सदैव हम सबका मार्गदर्शन करता है, एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा से उत्प्रोत करता है और यही कारण है आज नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रखकर के आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर एक स्तर पर विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भेद नहीं किया, गरीब अमीर में भेद किया, आवास मिलेंगे तो जिसके पास पहले आवास नहीं उसको मिलेंगे क्योंकि सबरी भी तो भगवान राम की भक्त थी। निषाद राज भैया भी तो भगवान राम के मित्र थे। हनुमान और सुग्रीव जामवंत भी भगवान राम के मित्र थे, भक्त थे। संकट के समय तो यही खड़े हुए थे, संकट के समय भगवान राम के साथ वनवासी जीवन में अयोध्या और जनकपुर से नहीं बल्कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के उस तबके ने योगदान दिया था जो उस कालखंड में पीड़ित था, प्रताड़ित था, आतंक से त्रस्त था। एक तरफ भगवान राम के साथ सहयोग करना, मित्रता करना और दूसरी तरफ अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के भगवान श्री राम के आदेश के रूप उस समय की एक ऐसी सेना का गठन करना जो त्रिलोक विजयी रावण पर भी विजय प्राप्त कर सके। अब आप अनुमान कर लीजिए त्रिलोक विजयी रावण कितना मजबूत रहा होगा, कितनी ताकतवर होगी रावण। इंद्र भी थर्रा था, कोई राजा महाराजा उनका सामना करने की स्थिति में नहीं था लेकिन इस सब के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में उस समय के वानर भालू और वनवासी जीवन यापन करने वाले उस समय के समाज ने किस रूप में टूट निष्ठा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश का अक्षर सा पालन करते हुए उस समय की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मानी जाने वाली त्रिलोक विजयी माने जाने वाले रावण और उनकी लंका को पूरी तरह भस्म करके सत्य न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करके हम सबके सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है और यही कारण है कि संकट तो आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी लेकिन संकट और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए और उसी धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ कृतज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबके मन में उस प्रकार की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर कृष्ण कंदा से वानर सेना गई तो आगे तो संयोजन का समुद्र था, कैसे पार करते लेकिन वह युवती भी निकाल दी गई। रावण रति विरथ रघुवीरा, रावण तो शस्त्र से संपन्न था लेकिन यहां तो बहुत हथियार थे, तो गदा थे, तीर भाले थे, पत्थर थे, अन्य शस्त्र नहीं। लेकिन सात्विक नेतृत्व में धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए
उस समय की सबसे बड़ी ताकत को कैसे देखते ही देखते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में वानर और भालुओं की सेना ने कैसे नष्ट कर दिया था, आज भी रामायण इस बात का साक्षी है। रामलीला का मंचन इस बात का साक्षी हम सबके लिए बनता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में निखार करें। छोत और स्पृश्यता को भगवान राम ने कभी मान्यता नहीं दी, कभी नहीं मानी। सबरी के दूध के वेट उन्होंने खाए थे, उन्होंने महिला और पुरुष के बीच में भी कोई भेद नहीं किया, पूरा सम्मान दिया माता सबरी। भारत की ऋषि परंपरा को कैसे, भारत की ज्ञान की परंपरा को कैसे अछूने बनाए रखना है, यह कार्य भी वनवासी कालखंड में एक तरफ राक्षसों का वध करते थे, दूसरी तरफ उन आश्रमों को पुनर्जीवित भी करते थे। राक्षस यहाँ की ज्ञान की परंपरा को नष्ट करना चाहते थे, भगवान राम ने कहा यह नहीं हो सकता। और अंततः उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर राम ने, भगवान राम ने युगों पूर्व जिस भारत की सांस्कृतिक इकाई को उत्तर से दक्षिण तक खींचा वही आज भी बनी है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। आपने 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि के पावन आयोजन के साथ जुड़ करके आदि शक्ति माँ भगवती का अनुष्ठान भी किया है। आदि शक्ति माँ भगवती आप सबको शक्ति दे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को आप सब अंगीकार कर सके, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु श्री राम के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी प्रेरणा हम सब की ताकत बने की इस विश्वास के साथ आप सब की प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आभार व्यक्त किए सभी पूज्य संतजन का, आए हुए सभी अतिथियों का।